नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 360। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बच्चों के चहेते थे, चाचा नेहरू उन्हें कहा जाता था। बच्चों में वे चाचा नेहरू के रूप में जाने जाते थे। काफी अरसे बाद एक और प्रधानमंत्री ने बच्चों का दिल जीता। मौका था शिक्षक दिवस का, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों का दिवस बना दिया। 18 लाख स्कूलों के बच्चों से उन्होंने सीधा संवाद किया, गुरु मंत्र दिया, जीने का सलीका सिखाया। शिक्षक दिवस का मेगा इवेंट और प्रधानमंत्री का जुदा अंदाज। दिल्ली के मानेकशॉ ऑडिटोरियम से प्रधानमंत्री देश भर के 18 लाख स्कूलों से सीधे जुड़े, लाखों बच्चों से सीधा संवाद किया। बच्चों के सामने कभी वो बच्चे बने तो कभी दोस्त, कभी टीचर बने तो कभी हेडमास्टर। मौका शिक्षक दिवस का था, लिहाजा उन्होंने शुरुआत शिक्षक के महत्व से की। उन्होंने कहा कि जब तक शिक्षक के महत्व को नहीं स्वीकार करेंगे, तब तक शिक्षक का गौरव नहीं बढ़ेगा। मोदी ने दो अहम सवाल भी उठाए। बच्चे टीचर क्यों नहीं बनना चाहते? भारत अच्छा टीचर क्यों नहीं एक्सपोर्ट करता? क्या कारण है कि बहुत ही सामर्थ्यवान विद्यार्थी टीचर बनना पसंद क्यों नहीं करते? क्या भारत ये सपना नहीं दे सकता है? हमारे देश से बहुत ही उत्तम प्रकार के टीचर हम एक्सपोर्ट करेंगे, और आज जो बालक है उसके मन में इच्छा नहीं जगा सकते कि हाँ, मैं भी एक अच्छा टीचर बन के देश और समाज के लिए काम आऊंगा, ये भाव कैसे जगे? मोदी ने कहा कि बच्चों के लिए टीचर हीरो होते हैं, बच्चे उन्हें फॉलो करते हैं, उनकी तरह दिखना चाहते हैं, इसलिए अच्छे और सामर्थ्यवान टीचर जरूरी है। प्रधानमंत्री ने एक चीनी कहानी भी सुनाई। जो लोग साल का सोचते हैं वो अनाज बोते हैं, जो 10 साल का सोचते हैं वो फलों के वृक्ष बोते हैं, लेकिन जो पीढ़ियों का सोचते हैं वो इंसान बोते हैं। मतलब उसको शिक्षित करना, संस्कारित करना, उसके जीवन को तैयार करना। मोदी ने देश के पढ़े लिखे लोगों से आग्रह किया कि वो बच्चों को पढ़ाने का काम करें। अगर हफ्ते में एक क्लास भी ले लें तो देश की शिक्षा का भला हो जाएगा। मैं देश के गणमान्य लोगों से भी आग्रह करना चाहता हूं। आप डॉक्टर बने होंगे, वकील बने होंगे, इंजीनियर बने होंगे, आईएएस अफसर बनेंगे, आईपीएस अफसर बने होंगे, बहुत कुछ हो गए। क्या आप अपने निकट की कोई स्कूल पसंद करके सप्ताह में ज्यादा नहीं, एक पीरियड उन बच्चों को पढ़ाने का काम कर सकते हैं? बच्चों को मोदी मंत्र भी मिला। प्रधानमंत्री ने कहा कि जानकारी से ज्यादा ज्ञान की जरूरत है। गूगल गुरु जानकारी देता है, ज्ञान नहीं। उन्होंने कहा कि बच्चे पढ़ने की आदत डालें, खूब पढ़ें, लेकिन मौज मस्ती भी करें, बचपन को ना मारे, बचपन का दायरा बढ़ाएं। हैं जिनको दिन में 4 बार भरपूर पसीना निकलता है शरीर में से, कितने हैं? नहीं है ना? देखिए, जीवन में खेलकूद नहीं है तो जीवन खिलता नहीं है। ये उम्र ऐसी है, इतना दौड़ना चाहिए, इतनी मस्ती करनी चाहिए, इतना समय निकालना चाहिए, शरीर में कम से कम 4 बार पसीना निकलना चाहिए। प्रधानमंत्री का ये शायद सबसे छोटा भाषण था, लेकिन कम शब्दों में वो काफी कुछ कह गए। आज तक ब्यूरो। बात छोटी जरूर थी, लेकिन राजनीति के नजरिए से एक बड़ी बात वो इस मंच से बोल गए। जी हाँ, देश भर के बच्चे प्रधानमंत्री से सवाल कर रहे थे। इसी कड़ी में जब एक शख्स, एक बच्चे ने ये पूछा कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री कैसे बन सकता हूं, तो नरेंद्र मोदी ने दाग दिया। कहा 2024 की तैयारी करो, यानी 10 बरस अपने नाम। दास मोदी अब हमारे बीच पहुंचा। मोदी सर की क्लास का दूसरा सेशन इंटरेक्शन का था। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के अलग अलग इलाकों के स्कूलों के बच्चों से सीधा संवाद किया। बच्चे सवाल कर रहे थे, प्रधानमंत्री जवाब दे रहे थे।
कुछ सवाल सीधे और सपाट थे, कुछ जवाबों के लिए उन्होंने कहानियों का सहारा लिया। पहले ही सवाल पर प्रधानमंत्री मोदी ने पॉकेटमारी की कहानी सुनाई और बताया कि जीवन में अनुभव का अहमियत तभी है जब हमें अच्छी शिक्षा और संस्कार मिले हों। मान लीजिए कोई पिक पॉकेटर आप बस में जा रहे हैं और जेब काट लिया, पैसे ले गया, अभी आपका अनुभव हुआ। अगर आपकी शिक्षा सही नहीं है, संस्कार सही नहीं, तो आपको विचार यह आएगा, अच्छा देखो बिना मेहनत वो तो रुपये कमा लिया, चलिए मैं भी उस रास्ते पर चल पड़ूं। अगर आपकी शिक्षा अच्छी है, संस्कार अच्छे हैं, सोच अच्छी है, तो विचार आएगा, अच्छा तो मैं अलर्ट नहीं रहा, मैंने सही ठिकाने पर पैसे रखे नहीं थे, मुझे जितना जागरूक रहना चाहिए नहीं रख रहा था और उसके कारण मेरे पैसे चले गए। तो वो एक ही चीज से दो अनुभव लिए जा सकते हैं, लेकिन अनुभव लेने का आधार वो बनता है कि आपकी शिक्षा कैसी हुई है। जब एक बच्चे ने पूछा कि आप कैसे शख्स हैं, जवाब में उन्होंने कहा कि वो टास्क मास्टर हैं, खुद काम करता हूँ, काम देता हूँ। उन्होंने अपनी शख्सियत को समझाने के लिए दूसरी कहानी सुनाई। तो रोटरी वालों ने मुझे बुलाया, फिर उन्होंने मुझे लिखा कि आप अपना बायोडाटा भेजिए। मुझे जब पूछा गया था आपका बायोडाटा भेजिए, तो मैंने जवाब लिखा था, मैंने लिखा था कि हर कोई इंसान, हमारे शास्त्र कहते हैं कि मैं कौन हूं इसका जवाब खोज रहा है। किसी को पता नहीं वो कौन है, औरों को पता होता है वो कौन है। जिस पल इंसान जान लेता है कि मैं कौन हूं, फिर उसके जीवन की हर काम समाप्त हो जाते हैं और संतोष मिल जाता है। और मैंने उनको लिखा है कि अभी तक मैं खुद को पहचान नहीं पाया, जान नहीं पाया मैं कौन हूं, ऐसा मैंने जवाब दिया। तो मैंने कहा, प्रधानमंत्री ने जापान और हिंदुस्तान में शिक्षा का फर्क भी समझाया। नियम है, माँ बाप स्कूल छोड़ने नहीं आएंगे। पद्धति यह है कि हर 25 कदम पर पेरेंट्स खड़े रहते हैं और उस यूनिफॉर्म वाले बालक वहां से निकलते हैं, तो एक पेरेंट उस बालक को 25 कदम दूर दूसरे पेरेंट को निगरानी में हैंडओवर करते हैं। जाता नहीं है, देता है। इसके कारण क्या हुआ है कि सभी पेरेंट्स सब बच्चों के साथ समान ट्रीटमेंट देते हैं। अपने ही बच्चों को संभाल के लाना, बढ़िया गाड़ी में ला करके छोड़ देना, ऐसा नहीं। तिरुवनंतपुरम से सवाल आया कि टीचर कैसे होने चाहिए। सचमुच मैं अगर टीचर के रूप में मैं देखूं तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए स्टूडेंट पर, उसकी एबिलिटी के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। लेह से शरारत भरे सवाल आए तो प्रधानमंत्री ने शरारत भरे जवाब भी दिए। हम क्या करते थे, वो शहनाई बजाता है तो हम इमली लेकर के वहां जाते थे और वो जब बजाते थे तो इमली दिखाते थे। पता है इमली दिखाने से क्या होता है, क्या होता है आप मन में कल्पना कीजिए इमली की क्या होता है, अभी आता है ना। तो बजा नहीं पाता था। बच्चों के सामने जब शरारती मोदी खुले तो खुलते ही चले गए। लोग शादी में खड़े होते हैं, खड़े होते हैं तो कोई भी दो लोग खड़े हैं, कोई लेडी एंड जेंट्स, तो उनके पीछे कपड़े पकड़ के स्टेपलर लगा देते प्रधानमंत्री ने शिक्षा को स्किल डेवलपमेंट से जोड़ने की बात भी कही ताकि शिक्षा के साथ साथ बच्चों को रोजगार भी मिल सके। आज तक ब्यूरो।